दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम टू टुजार्ज ऑटोमोबाइल्स। मैं विनीत शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 14 कार्स के बारे में जो कि इंडिया में 5 लाख रुपए तक के बजट में आ जाती है। जो 5 लाख रुपए जो मैं बोल रहा हूँ, ये एक्स शोरूम कीमत की बात कर रहा हूँ, इस 5 लाख रुपए के बजट में आ सकती है। तो 14 कार्स हम डिस्कस करेंगे जो कि इस बजट में आ जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे 5 उन टॉप कार्स की जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा बिकती है, ताकि आप उनमें से कोई अपने लिए बेहतरीन से चुन सके। आज के वीडियो में मैं सब गाड़ियों के लुक्स आपको दिखा दूंगा, फीचर्स आपको बता दूंगा, ताकि आप जल्दी जल्दी इनमें से डिसाइड कर सके आपके लिए बेटर कौन सा चुनाव रहेगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। हाँ, शुरू करने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हम आगे भी ऐसे जुड़े रह सके और आपके कमेंट में प्रायोरिटी से एड्रेस कर सकूं। तो साहब करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। शुरुआत करते हैं हम रेनो की क्विड के साथ, जो कि 2.92 लाख रुपीस से शुरू होती है और 5.01 लाख रुपीस तक जाती है। इसके अंदर दो इंजन ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, एक 800 सीसी का, एक 1000 सीसी का। 1000 सीसी वाले में पावर थोड़ी ज्यादा है, 68 पीएस और 91 एनएम की टॉर्क मिल जाती है, जबकि 800 सीसी वाले में थोड़ी कम पावर, 54 पीएस और 72 एनएम की टॉर्क आपको मिलती है। ये गाड़ी आपको 1579 की विड्थ के साथ भी मिल जाएगी। इसके लेंथ, विड्थ, हाइट ये सब मैं मेंशन कर ही रहा हूं। माइलेज इंपॉर्टेंट है साहब, जबरदस्त माइलेज देती है। 800 सीसी वाला इंजन 25.17 का ARAI सर्टिफाइड माइलेज देता है और 1000 सीसी वाला 23.01 का। अगले हम बात करते हैं टाटा टियागो के बारे में। ये थोड़े अपर सेगमेंट में आ रही है, अगर हम इस रेंज की बात कर रहे हैं 0 से 5 लाख रुपीज वाली। ये 4.6 लाख रुपीज से शुरू होती है और 6.6 लाख रुपीज तक जाती है इसकी एक्स शोरूम कीमत। इस गाड़ी को आप तब चुनिएगा अगर आप 5 लाख रुपए के बजट से ऊपर जाना चाहते हैं। तो इसके अंदर आपको पावरफुल 12 सीसी का इंजन मिल जाता है, 86 पीएस की पावर और 113 एनएम की टॉर्क मिल जाती है। 1677 की इसकी विड्थ है, जो कि काफी अच्छी है, और माइलेज है 19.8 kmpl की। अगले हम बात करते हैं वैगन आर के बारे में। दोस्तों वैगन आर 4.45 लाख रुपए से शुरू होती है और 5.94 तक जारी। तो फिर से ये थोड़ा बजट एक्सीड कर जाती है आपका 5 लाख रुपए वाला, लेकिन अच्छी गाड़ी है। इंजन के अंदर 1000 सीसी का इंजन आता है और एक 1200 सीसी वाला भी ऑप्शन आता है। 1000 सीसी वाला आपको 68 पीएस की पावर देता है, 90 एनएम की टॉर्क देता है, लेकिन 1200 सीसी वाला थोड़ी ज्यादा पावर देगा, 83 पीएस की और 113 एनएम की अच्छी टॉर्क दे देगा। ये गाड़ी आपको 1620 की विड्थ के साथ मिलती है, तो थोड़ी बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी डिसेंट है। माइलेज इसके अंदर 21.79 का आपको 1 लीटर वाला इंजन देता है और 20.52 वाला 1.2 लीटर का इंजन देता है। यहाँ पे देख दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एकदम क्लियर कर देना चाहूंगा कि जो माइलेज बता रहा हूँ, ये कंपनी जो क्लेम कर रही है वो है, ये रियल लाइफ कंडीशंस का ऑन रोड माइलेज नहीं है। रियल लाइफ में डेफिनेटली इसमें 3-4 कम हो सकते हैं। अगली है गाड़ी रेनो ट्राइबर, जो कि 4.99 लाख रुपए से शुरू होती है और 7.22 लाख रुपए तक की आती है। साहब ये थोड़ा अपर सेगमेंट में आती है, काफी जगह है इस गाड़ी के अंदर, काफी लंबी चौड़ी गाड़ी है। 1000 सीसी का इसमें इंजन है, 72 पीएस की पावर, 96 एनएम की इसमें टॉर्क है। रेनो ने ये गाड़ी बनाई है ताकि ऐसे लोग जो कम पैसे में बड़ी गाड़ी, जहां पे परिवार साथ में आ सके, ऐसी गाड़ी लेना चाहे वो इसको एंजॉय कर सके। माइलेज देती है 19 का मैनुअल ट्रांसमिशन में और 20.5 का AMT के अंदर। अगली गाड़ी है मारुति की एस्प्रेसो, बड़ा ही ल्यूक्रेटिव है इसका प्राइस रेंज। 3.7 लाख रुपीस से शुरू होती है और 4.9 लाख रुपीस में खत्म हो जाती है। तो एकदम एंट्री लेवल सेगमेंट के लिए बनी हुई गाड़ी है। इंजन है इसका 1000 सीसी का, जो कि 68 पीएस की पावर और 90 एनएम की टॉर्क आपको दे देता है। 1520 की इसकी विड्थ है, तो बहुत ज्यादा चौड़ी गाड़ी नहीं है, दो लोग आसानी से पीछे की सीट पर बैठ सकते हैं। माइलेज इसका 21.4 का है स्टैंडर्ड और एलेक्साई में, और VXI या VXI प्लस या फिर AGS हम किसी भी वेरिएंट में लेते हैं तो आपको 21.7 का माइलेज मिलता है। अगली गाड़ी है सेलेरियम, अगेन मारुति, मारुति राज करता है साहब सस्ती गाड़ियां बनाने में। 4.41 लाख रुपए से शुरू होती है और 5.58 लाख रुपए तक जाती है। तो ये भी गाड़ी आपका 5 लाख का बजट तो क्रॉस कर जाएगी ऑन रोड तक आते आते, तो ये थोड़ा अपर सेगमेंट में भी रहती है। फिर से इंजन इसका 1000 सीसी का है, 68 पीएस की पावर और 90 एनएम की इसकी टॉर्क है। 1600 मिलीमीटर की इसकी विड्थ है। माइलेज देती है 61.63 का आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के AGS के अंदर और 31.76 का CNG गाड़ी आप लेते हैं तो अच्छी बात यह है कि CNG में भी आती है। अगली गाड़ी है हुंडई की शानदार गाड़ी सेंट्रो, इस पे काफी सारे वीडियोस में पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूं। 4.57 लाख रुपए से शुरू होती है, 6.25 लाख रुपए तक जाती है। तो गाड़ियां देखिए दोस्तों, ऐसी गाड़ियां सेंट्रो है, टियागो है, ये 5 लाख का बजट थोड़ा सा क्रॉस कर जाएगी। हालांकि मैंने इनको इंक्लूड इसीलिए किया है क्योंकि इनकी जो एक्चुअल कीमत है बेस वेरिएंट की, वो 5 लाख रुपए के अंदर आ रही है। इंजन इसका आपको
1086 सीसी का मिलता है, तो 1100 सीसी का इंजन कह सकते हैं। 69 पीएस की पावर और 99 एनएम की इसकी टॉर्क है। 1645 इसकी विड्थ है। ये मैं लेंथ विड्थ हाइट सब कुछ मेंशन कर रहा हूँ, फिर भी विड्थ पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ, विड्थ से आपको ये पता चलता है गाड़ी के अंदर कि तीन लोग अगर पीछे की सीट पे बैठते हैं तो आसानी से बैठ सकेंगे कि नहीं बैठ सकेंगे। माइलेज इसके अंदर 20.3 का है मैनुअल या एएमडी ट्रांसमिशन में, और सीएनजी में भी आ रही है, 30.48 का माइलेज दे देती है। अगली गाड़ी है मारुति की फिर से इग्निस, 4.89 लाख रुपए से शुरू होती है, 7.1 लाख रुपए तक ये जारी है। 1200 सीसी का दमदार इंजन है, 83 पीएस पावर है, 113 एनएम इसका टॉर्क है, 1690 पे काफी चौड़ी गाड़ी है। तो जो अगले सेगमेंट की कार्स आ रही है उनसे कंपेरेबल है इसकी विड्थ, तो विड्थ इसकी 1690 की और माइलेज है 20.89 का। एएमटी ट्रांसमिशन में भी ये गाड़ी आती है। अगली गाड़ी है डैटसन की गो। अब हम दो तीन गाड़ियां डैटसन की बात कर लेते हैं। तो डैटसन गो के अंदर आपको 3.99 लाख रुपए से शुरू होती है और 6.18 लाख रुपए तक ये जाती है। 1200 सीसी का इंजन है, 68 पीएस की पावर है और इसमें सीवीटी भी आ रहा है। कमाल की बात है भाई, इसी सेगमेंट में सीवीटी, लेकिन वो ऑफकोर्स बजट आपका एक्सीड कर जाएगा, टॉप एंड में आता है। 77.5 पीएस की पावर सीवीटी के साथ है, 104 एनएम की टॉर्क आपको वही सीवीटी वाले ट्रांसमिशन में मिल जाती है। इसकी अगर हम विड्थ की बात करेंगे तो 1636 की इसकी विड्थ है, 1636 मिलीमीटर की, और माइलेज है 19.02 मैनुअल ट्रांसमिशन में और 19.59 सीवीटी के अंदर। अगली गाड़ी है डैटसन की रेडिगो, जो कि 2.83 लाख रुपीज की और शुरू होती है और 4.77 लाख रुपीज तक जाती है। 800 सीसी का इंजन है और 1000 सीसी का भी ऑप्शन आता है। तो आप देखोगे यार, रेनो और डैटसन की गाड़ियों में कहीं ना कहीं को सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। तो इसमें भी जो दो ऑप्शन आ रहे हैं, 68 पीएस की पावर देता है आपको 1000 सीसी का इंजन और 91 एनएम की टॉर्क देता है। यहीं पे जो 800 सीसी वाला इंजन है वो 54 पीएस की पावर और 72 एनएम की टॉर्क देता है। विड्थ इसकी 1574 है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। माइलेज है 20.71 का 800 सीसी वाले इंजन में, 21.7 का 1 लीटर वाले मैनुअल ट्रांसमिशन में और 22 का 1 लीटर वाले एएमटी इंजन के अंदर। अगली गाड़ी है डैटसन गो प्लस, जो कि 4.12 लाख रुपए से शुरू होती है और 6.9 लाख रुपए तक जाती है। 1200 सीसी का इंजन, 68 पीएस की पावर मैनुअल ट्रांसमिशन में और यहाँ पे भी सीवीटी है भाई, 77 पीएस के साथ आपको अच्छा सीवीटी इंजन मिल जाता है। विड्थ इसकी है 1636 मिलीमीटर की और माइलेज है 19.02 मैनुअल ट्रांसमिशन में और 18.57 सीवीटी के अंदर। अगली आकर्षक गाड़ी है मारुति की एको। देखो ये सही में ऐसी गाड़ियां हैं जो कि 5 लाख के बजट में आती है, 3.81 लाख रुपीज से शुरू होती है और 5.06 लाख रुपीज में खत्म हो जाती है। 1200 सीसी का इसका इंजन है, 73 पीएस इसकी पावर है पेट्रोल के अंदर, 63 पीएस है सीएनजी के अंदर। सीएनजी में भी इनको काफी सारे लोग चलाते हैं। 98 एनएम की इसकी टॉर्क आ जाती है पेट्रोल के अंदर। अगर हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की, बहुत चौड़ी गाड़ी नहीं है, इनफैक्ट एक वैन टाइप की गाड़ी है। 1475 मिलीमीटर की इसकी विड्थ है, माइलेज का पेट्रोल के अंदर 16.11 का माइलेज है। अगली गाड़ी है मारुति की ऑल्टो, जो कि 2.95 लाख रुपए से शुरू होती है और 4.36 तक जाती है। 800 सीसी का इंजन है, 48 पीएस की इसकी पावर है पेट्रोल के अंदर, सीएनजी में भी है, आती है, 69 एनएम का इसका पेट्रोल के अंदर टॉर्क है। तो दोस्तों पावरफुल गाड़ी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे नंबर्स में बिकती है इंडिया के अंदर। 1490 मिलीमीटर की इसकी विड्थ है, माइलेज देती है 22.05 का पेट्रोल के अंदर। अगली गाड़ी है मारुति सिलेरियो एक्स, जो कि 4.9 लाख रुपीज से शुरू हो रही है, इस कारण से इस पर्टिकुलर वीडियो में इसको रखा है, लेकिन ये ऊपर चली जाती है 5.67 लाख रुपीज तक। इंजन इसका 1000 सीसी का है, 68 पीएस की पावर आपको डिलीवर कर देता है, 1635 मिलीमीटर की इसकी विड्थ है और माइलेज है 21.63 का। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जल्दी से उन टॉप 5 गाड़ियों की, जो कि हिंदुस्तान के अंदर 5 पायदान पे आती है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो अगर 5 लाख रुपए तक की गाड़ियों के बारे में बात करी जाए, तो जो 5 गाड़ियां बताने जा रहा हूं आपको, वो इंडिया में सबसे ज्यादा नंबर से बिकती है। 5वें नंबर पे आती है सेंट्रो। तो 2019-20 के आंकड़ों की बात करी जाए, तो इंडिया के अंदर इसकी 5वीं सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी थी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, 51,000 प्लस इसके नंबर बिके थे। 4थे नंबर पे आई थी सिलेरियो, जिसके आपको काफी आकर्षक नंबर देखने को मिले थे, 62,000 प्लस नंबर इसके बिक गए थे और ये 4थे नंबर पे आई थी इन टर्म्स ऑफ सेल्स। 3रे नंबर पे मारुति की एको आई थी साहब, ये मल्टीपर्पज गाड़ी है, लोग इसको आसानी से, बहुत तेज नहीं चलाते लेकिन कम्यूट के लिए बड़ा ही सस्ता सुंदर टिकाऊ साधन है और ये आपको
1,17,000 इतने इसके नंबर्स बिके थे 2019-20 वाले इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अगले पायदान यानी कि दूसरे पायदान पर रही वैगन आर। तो वैगन आर ने 1,56,724 का जो आंकड़ा हासिल किया था, उस कारण से ये इंडिया में इस सेगमेंट में बिकने वाली दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी बन गई थी। और नंबर वन पे नो सरप्राइजेस रही मारुति की ऑल्टो 1,90,814 इस पर्टिकुलर फिगर के साथ। तो दोस्तों अगर आपको कंफ्यूजन, मैंने आपको सारी गाड़ियों की झलकियां दिखाई दी है, अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन रह जाता है तो देखो इन पांच में से कोई एक चुन लो, क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर आप ऐसे अपना निर्णय ले सकते हैं कि साहब जो पूरा देश खरीद रहा है, जो सबसे ज्यादा नंबर से बिक रही है, उनमें से कोई गाड़ी उठा लो तो आपको डेफिनेटली लग जाएगा कि आप ऐसी गाड़ी ले रहे हैं जो कि चलती हुई गाड़ी है, जो कि रुका हुआ सामान नहीं है, अच्छे नंबर्स में इंडिया में बिकता है। तो ये पांच में से कोई चुनाव कर सकते हैं, अदरवाइज सारी गाड़ियों की आप झलकी देख ही चुके हैं, उनमें से कोई भी गाड़ी आप चुन लीजिए। इन गाड़ियों के बारे में कोई भी आपका सवाल है वो कमेंट करके मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, ताकि आपके कमेंट्स को मैं प्रायोरिटी से पढ़ सकूं और ऐसे ही हम जुड़े रह सके। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो जरूर से शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन लोगों के वीडियो काम का है। जय हिंद।